चलिए ये सवाल देखते हैं ये सवाल में दिया गया है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी कैरिंग इक्वल चार्ज दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ और थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर सी इज अनचार्ज स्फीयर सी इज फर्स्ट अटैच टू ए देन टू बी एंड देन रिमूव्ड फोर्स बिटवीन ए एंड बी वुड बी इक्वल अब देखिए ये आया है ऐसा सवाल ईच एंड एवरी एवरी ईयर आता ही है ना तो इस सवाल से आप आ नहीं सकते ये सवाल को करना पड़ेगा तो इसको करने का क्या मेथड है देखो सबसे पहले दो आइडेंटिकल दो आइडेंटिकल क्या है एस्फियर है अब इनिशियल सिचुएशन कुछ ऐसा है ए एंड बी और इस दोनों पे जो चार्ज है क्यू क्यू है ये अपना इनिशियल सिचुएशन है है ना अब इनिशियल सिचुएशन में इसमें फोर्स कितना आएगा फोर्स आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये दोनों का डिस्टेंस अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ आर है नाउ फाइनल क्या है देखो फाइनल में ए के साथ पहले सी को अटैच किया आपको पता है कि ए का चार्ज क्यू है और सी का चार्ज हमें नहीं पता है सी सॉरी सी अनचार्ज है सी का चार्ज पता है अब हम जानते हैं बाई इंडक्शन सम डिस्टेंस पे रहता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे तो क्या होएगा? ये चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा है ना? चार्जिंग बाय इंडक्शन तो कितना हो जाएगा अब जो नेक्स्ट बॉडी बनेगा इस पर बन जाएगा Q प्लस जीरो डिवाइड बाई टू चार्ज यानी इस पर आ गया Q बाई टू चार्ज नाउ सिमिलरली अब देखो ये बॉडी कितना हो गया चार्ज अब इस बॉडी के साथ बोला है देन टू बी है ना अब बी के साथ अटैच किए और बी के चार्ज अभी भी Q है अब B के चार्ज Q है अब इसका चार्ज कितना हो गया Q बाई टू अब इसको चार्ज करना है तो अब चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये जो नेक्स्ट बॉडी पे चार्ज आएगा वो आ जाएगा Q प्लस Q बाई टू डिवाइड बाई टू यानी चार्ज का क्या हो गया डिवीजन, है ना अब इतना इतना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और ये आ जाएगा थ्री क्यू बाई फोर अब देखो इनिशियल सिचुएशन ये था अब ये है डी डिस्टेंसेस सेपरेटेड है ना तो यहां का जो फोर्स आएगा फोर्स आ जाएगा के क्यू बाई टू क्यू बाई टू सॉरी थ्री क्यू बाई फोर है ना डिवाइड बाई डी का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर आर ले लो डिस्टेंस है ना तो आर डिस्टेंस ले लिए तो यहां से आ जाएगा थ्री बाई एट के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अब देख रहे हो ये जो फाइनल सिचुएशन आ गया थ्री बाई ए टेफ आ गया तो आपका ये डी आंसर हो जाएगा करेक्ट ओके